एवरीवन, वेलकम टू यार। एंड अभी मैं दिखाती हूँ, मैं सारा चीज अरेंज अयोध्या में आ रहे हैं। सो हम सौभाग्य है कि हम लोग भी हमारे घर भी आज रामलला आ रहे हैं। सो हम लोग भी वैसे ही जैसे अयोध्या में पूजा हो रहा है वैसे ही हम लोग अपने घर पे कर रहे हैं। एंड सो अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम रेडी होंगे। पहले भी तो सारा सामान लाना है, तो मार्केट जाएंगे, पापा के साथ सामान लाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, मजा आएगा। सो अभी चलते हैं गाइस। भाई लेने पापा और मैं जा रही हूँ क्योंकि पूजा करना है भगवान जी का ना। सो अभी चलते दुकान, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं। भाई नारंगी को भगवान रंग का झंडा। कितने अच्छे से सजा हुआ है, ऑरेंज है। दवाई का खाली बनाई बाबू, केला कितना दर्जन बा? हाँ खोए वाला ना, हाँ इसी को डलवा दीजिए। हाँ मिठाई भूल गए थे आप, बाहर बहुत ठंडी है। सो गाइस पूजा दी, रंगोली बन गया, अभी बनाना है और भी तुमको। अभी क्या बनाया, कुछ नहीं। सो अभी बॉर्डर दे रही है पूजा दीदी, थोड़ा सा बिगड़ गया, ये कोई बात नहीं। भूपी नहीं निकला है, प्रभु आज निकलेंगे नहीं, आज सबका प्रतीक्षा लेंगे, सब लोग बॉम्बे वाले उनके यहाँ पहुँचे हैं। देख रहे हैं खीर इधर बन रहा है। सो गाइज फाइनली प्रिपरेशन हो गया है एंड अभी मैं दिखाती हूँ, मैं सारा चीज अरेंज कर ली हूँ क्योंकि अभी हम पूजा करने का टाइम हो गया है। अभी स्वीट्स भी रखना है एंड ये है मेरी थाली भगवान जी की, जिससे आरती पूजा पाठ करेंगे, सामान उसमें रख लिए हैं एंड जब पापा को और ज़रूरत पड़ेगा तो और भी सामान रहेगा। और फ्लावर माला भगवान जी के लिए एंड ये है आरती का थाली। सो अभी रेडी हो गया एंड हम भी रेडी हो के आप लोग से मिलते हैं। फाइनली गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि टाइम हो चुका है रामलला का पूजा करने का, और आज हम लोग भी अपने मंदिर में रामलला को विराजमान करने वाले। और हम लोग का सौभाग्य इतना अच्छा है कि हम लोग अभी आगे का मैं बताऊंगी रामलला हम लोग के पास कैसे आए। सो आप लोग ब्लॉग में देखना एंड अभी पहले पूजा कर लेते हैं, ठीक। बोलिए जय श्री राम। गाइस यहाँ पे छोटू है एंड पापा, पूजा का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। समय को देखते हुए हम लोग भी अयोध्या उत्सव की ही तरह अपने घर में मना रहे हैं।
गाइस हम लोग के रामलला को आप लोग देखिए। दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे, कितने प्यारे हैं, और प्रस्थान करेंगे। भगवान जी का पूजा करने के बाद एंड ठंडी बहुत ज्यादा है। मम्मा इधर चाय बना के लाइए, पापा आग। फाइनली हम लोग राम जी का पूजा कर लिए एंड धूप भी निकल गया है, काफी अच्छा। मॉर्निंग से धूप ही नहीं था लेकिन धूप अच्छा खासा निकल गया है और सारे लोग राम जी का पूजा कर रहे हैं अपने अपने घर और हम लोग भी कर लिए। आवाज आपको आ रही होगी शायद। हाँ, पूरे जगह पे मतलब राम जी गूंज रहा है, राम राम, मतलब अच्छा लग रहा है एंड काफी। सो गाइज, अब लास्ट में हम लोग ये ब्लॉग को एंड करने से पहले बताना चाहूंगी कि ये राम दरबार हमारे घर कहाँ से है। जय श्री राम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ब्लॉग को इतना प्यार देते हैं, मतलब आई मीन मेरी बहन के चैनल को। और ये जो दरबार हमारे पास आज पूजा में स्थापित हम लोग किए अपने पूजा घर में, ये हमारे प्रिय प्रशांत अवस्थी जीजा जी ने दिया है। और जैसा कि मैं नाम लेके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ दो दो जीजा जी हैं और कंफ्यूज सब हो जाएगा, तो नेम लेना बहुत जरूरी है। और ये मतलब बहुत सडनली, मतलब अचानक से हम लोग के दिमाग में आया कि अरे यार अभी हम लोग स्थापित नहीं किए थे और शायद आज का ही दिन वो रामलला भी इंतजार कर रहे थे कि हम सबके घर में आज ही विराजमान हो। आज का दिन इतना अच्छा है तो हम लोग डिसाइड किए कि आज ही करते हैं। एंड थैंक यू सो मच जीजू कि आपने इतना प्यारा गिफ्ट हम लोग को दिया और सौभाग्य हम लोग का है कि आज हम लोग भी अपने घर में रामलला को विराजमान किए पूरे दरबार के साथ। एंड आई होप आप लोग भी अपने घर पे दिवाली सेलिब्रेट करिएगा। रात को हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो रात वाली ब्लॉग भी देखिएगा। जय श्री राम। और अभी फिलहाल जय श्री राम। सो गाइज, अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ खाओ ले, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ अभी तक खाया नहीं है एंड चाय पी ली। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जय श्री राम। सो आज हम सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। इतना प्यारा सा अवस्थी जी द्वारा ये दिया गया गिफ्ट है, राम जन्मभूमि का राम दरबार, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको, भैया भी आया है प्रसाद। सुनो भैया लीजिए। तो गाइस सबको प्रसाद दे दिए एंड मिठू जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। चार फाइनली हम लोग खा लेते हैं एंड आप लोग से मिलूंगी मैं बाद में, सभी के लिए बाय गाइस। सो गाइस, आज काफी ठंडी थी एंड हम लोग पूजा करने के बाद खाने के बाद रेस्ट किए थे एंड अभी मैं जा रही हूँ दिया जलाने, भगवान जी को खाऊंगी एंड उसके बाद हम लोग घर में भी रखेंगे। और अभी फिलहाल भगवान जी का पूजा करना है और फिर दीपक से पूरे घर को डेकोरेट किया जाए। सो गाइस पटाखा, सो देख लो आप लोग, हैप्पी दिवाली गाइस। सारा दिया से डेकोरेट कर रहे हैं एंड देखो आप लोग, हम लोग लगाए हैं। सो इधर पापा सजा रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ गेट पे रखने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दीपक रखने गेट पे, क्योंकि हम लोग पापा उधर सारे डेकोरेट करें तो हम इधर उधर देखते हैं पहले। हम लोग भी सारा इधर इधर से पूरा दिया लगा दिए हैं, सजा दिए हैं आई मीन, एंड अभी ऊपर पापा लगाएंगे ऊपर वाले छत पे। गाइस पापा और हम लोग पूरा दिए को सजा रहे हैं यहाँ पर छत पे। पापा ऊपर चलिए, ऊपर इधर हो गया है, एक हुआ एक नहीं हुआ है। जय श्री राम। गाइस इनको ठंडी लग रही है, हैप्पी दिवाली ब्रो। जय श्री राम।
पटाखा, वो देखिए उधर दिवाली मन रही है। वाओ बहुत ही प्यारा, लोग सब सजा हुआ है, सब लोग दिवाली मना रहा है क्योंकि आज श्याम लला आए हैं एंड हम लोग के भी सज गया ही है। खाना ना वो सब, हाँ वो जानती है ये लोग नहीं जान रहे हैं क्योंकि बॉयज ब्रो बॉयज हैप्पी दिवाली वंस अगेन। दिवाली वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, गाइस पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन ब्रो, पटाखा छोड़ने के बाद इतना पटाखा छूट रहा है कि सब गर्मी एकदम खत्म जा। अरे यार ये देखिए सही बात है, कितना ज्यादा यहाँ से धुआं आ रहा है, देख रहे हैं बाबा वो सब पूरा उधर के सब छोड़े हैं लोग। सो गाइस देखते हैं ये लैंप लाइट जलता है या नहीं, फैलाओ लोग तब ना, हल्के ऐसे पकड़ो। देखे आप लोग ना ब्लॉग में, अरे यार कहाँ गया वो, देखो गिर जाएगा, कोतवाली में बता दे रहे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ना इसलिए दिख रहा है अभी। टाटा छोड़ी है, कैसा लगा? बाय बाय गाइस, हम लोग नीचे जा रहे हैं। पहली बार पटाखा छोड़ी है। आज तक दिखी नहीं थी। गाइस अभी आप लोग पूरा देख लीजिए आज का डे का ब्लॉग, हम लोग राम जी का पूजा किए एंड वेलकम की एंड आज दिवाली भी सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले थे कि सब लोग अपने घर पर दिवाली सेलिब्रेट करिएगा एंड यार बाहर लिटरली यार सारे लोग घर में दिया जलाया गया है, पटाखे छूट रहे हैं और सारे मंदिर में पूजा तो हो रहा है, पूजा हो रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सो हम वाले ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ जल्दी एक न्यू ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय।